आइए, मैं इस प्रसंग से आपको जोड़ रहा हूं, बड़ी अद्भुत कथा है। मां ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई यही सोच रही थी, कहां मेरे एक पुत्र होता, मेरी कोख कृतकृत हो जाती। सहसा वायु का उस समय तीव्र झोंका आया और माता अंजनी की साड़ी को स्पर्श करता हुआ वो झोंका चला गया, हवा का झोंका। माता अंजनी को लगा, उसने अनुभव किया कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है। पवन देव वहां से निकल गए। सहमती हुई अंजना माता अपना वस्त्र संभालती हुई और अपने आप को डांटती हुई आगे बढ़ी, कहने कौन ढीठ मेरे पातिव्रत धर्म का नाश करने को कोई आया, कौन है, किसकी हिम्मत है, या तो सामने आ जा नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब कांपते हुए भगवान पवन देव सामने, पवन देव आकर के प्रकट हुए और कहा, देवी हम देव हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, हमारे अंश से तुम्हारे पुत्र का एक बहुत बड़ा काम होना था, इसलिए देवी इसलिए हमने तुम्हें स्पर्श किया, इसमें तुम्हारा कोई भी धर्म विखंडित नहीं होगा। यह कह करके पवन देव वहां से चले गए। परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव ने समझाया, उनका ही यशस्वनी मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म का कभी नाश नहीं कर सकता, तुम भयभीत मत होइए, तुमने मेरे लिए तप किया था और देवताओं का कोई तप करे और देवता उसे कुछ ना दे ऐसा नहीं हो सकता। उस समय मांजना बहुत प्रसन्न हुई, पवन देव ने वहां से प्रस्थान किया। बहुत सी कथाएं हैं, आप पहली बार सुनेंगे। हमने हनुमान जी को हनुमान चालीसा में पढ़ाए, सुंदरकांड में पढ़ाए, लेकिन इससे हटके भी हनुमान कुछ हैं। हनुमान का प्राकट्य, हनुमान की जीवन शैली, हनुमान जी की लीला, हनुमान जी की कृपा बहुत अद्भुत है। धरती पर वह लोग बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जो हनुमान के सेवक हैं। पवन देव वहां से चले गए, अभी सुंदर सुंदर बधाइयों के साथ हनुमान जी का प्राकट उत्सव मनाएंगे, अभी प्रकट हुए नहीं है, थोड़ा हो तो जाने दें। माता अंजना अति प्रसन्न हो गई, उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना माता समय आने पर गर्भस्थिति में मां पहुंची, कपिराज केसरी को अति प्रसन्नता हुई।